अब देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे कि कैंसिल कर रहे थे, कि अगर जैसे तुम्हें 48/60 दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है कि ऐसा फ्रैक्शन ले आओ कि वो आगे डिवाइड ना हो। अब 48/60 है, मुझे पता है 48 और 60 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल में आते हैं। हाँ, 2 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, डिवाइड करके देख लो, 48 2 से गया 2 टाइम्स, 4 8 उतारा 4 टाइम्स, तो 2 की टेबल में 48 आता है 24 टाइम्स, तो यहाँ पे 24 लिख लो, तुमने 2 से डिवाइड किया था। फिर 2 से 60 को भी डिवाइड करो, या फिर इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर लो कि 48 को मैंने डिवाइड किया 2 से और 60 को डिवाइड किया 2 से, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आ गया, और 60 को करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर इस 24/30 को फिर से 2 से डिवाइड करो, जाएंगे ना दोनों 2 की टेबल में आते हैं। अच्छा, हमें देखना है कि दोनों सेम टेबल में आते हो तभी लेंगे, अगर ऐसा है कि ऊपर वाला 2 की टेबल में आ रहा हो नीचे वाला नहीं आ रहा तब नहीं। 24 को 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है, और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 आ रहा है। अब देखो वही बात हो गई, 12 तो आता है 2 की टेबल में पर 15 नहीं आता है, तो अब हम 3 की टेबल में जाएंगे, 3 की टेबल में 12 आता है, हाँ 15 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की टेबल में 12 आता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 15 आता है 5 टाइम्स। तो अब देखो 4 और 5 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, मतलब कि ये जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था, 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बी वाला देखते हैं, 150/60, सेम स्टार्ट करेंगे 2 की टेबल से, 150 को डिवाइड करो 2 से, 60 को डिवाइड करो 2 से, 150 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से, 7 टाइम्स 14, 1 बचा 0, 5 टाइम्स, तो ये आ गया 75, और 60 को डिवाइड करेंगे तो 30। अब देखो 2 की टेबल में तो 75 आता नहीं है पर 30 आता है, तो हम 2 की टेबल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 75 नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने वो बताया था डिविजिबिलिटी रूल, ताकि देख के ही पता चल जाए लास्ट में 5 है तो 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल में 7+5 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3 की टेबल में 12 आता है, हाँ 30 3 की टेबल में भी आएगा, और 75 भी 3 की टेबल में आएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड करके देखते हैं, 75 को हमने 3 से किया, ये किया 2 टाइम्स, 1, 5, 5 टाइम्स, 25, 3 की टेबल में 30, 10 टाइम्स। अब देखो 25 और 10 जो है वो 2 की टेबल में आएंगे नहीं, 3 की टेबल में 5+2, 7, 7 आता है 3 की टेबल में, नहीं तो 3 में भी नहीं आएंगे, 4 में भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ना 2 में आया ना 3 में आया, 5 में, 5 में आता है 25, हाँ 10 में, हाँ, और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 5 का, कि लास्ट में 5 होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये 5 की टेबल में चला जाएगा, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और इसको डिवाइड करेंगे 2, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। अब 5 और 2 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ऐसे ही है, एकदम सिंपल है।